वैसे आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही? कायनात, वो बस तैयार हो रही है। मेरी छोटी कितनी खूबसूरत लग रही है। भाईजान, सब ठीक तो रहेगा ना? हाँ छोटी। अब्बू ने कहा है कि अपनी कमियां छुपा लेनी चाहिए। तुम में कोई कमी नहीं है छोटी। अल्लाह अगर एक हाथ से लेता है ना तो 100 हाथों से देता भी है। देख अल्लाह ने तुझे कितना बड़ा दिल दिया है ना। जोरा ने परेशान कर दिया मुझे। ये जोरा कौन है? एक लड़की है, मुझसे अपना राशिफल जानना चाहती है। देख इस फोन के चक्कर में हमें मत फंसवा देना। नहीं नहीं, मैं इसको मैसेज कर देती हूँ। हेलो हेलो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ने वाला है। देखिए मैं सिर्फ हॉरोस्कोप लिखती हूँ, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज एक बार उसकी फोटो देख लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में क्या है। मैं अभी आपको उसकी फोटो भेजती हूँ। हमें निकाह में देरी नहीं करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डम करने वाला है। मैं अभी आपको उसकी फोटो भेजती हूँ। जब तुम्हारी ये वो खत्म हो जाए तो आकर बता देना कि तुम्हें क्या कहना है। वो लड़का अच्छा नहीं। इसमें नई बात क्या है? हम सबको पता है हल्क इज नॉट अ नाइस गाय। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जरा खुल के बोलो, कौन अच्छा लड़का नहीं? वो जो लड़का कायनात को देखने आया था अक्रम, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आजाद, तुमने आज वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। बेगम साहिबा, मैं 100% श्योर हूँ। मुझे एक लड़की ने फोन किया था, उसने मुझे बताया कि वो लड़की अक्रम की गर्लफ्रेंड है और वो लड़की। बिल्कुल चुप। प्लीज जुबान खोलने से पहले कम से कम ये तो सोच लिया करो कि तुम किसके सामने खड़ी हो और क्या बोल रही हो। जब से आई हो बकवास किए जा रही हो। मैं भोपाल आवाज में हॉरोस्कोप लिखती हूँ, उसमें मेरी एक रीडर थी जिसने मुझे फोन किया और मुझे बहुत बार फोन और मैसेजेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे ये बताया कि अक्रम उसका बॉयफ्रेंड है और वो लड़की अक्रम से प्रेग्नेंट है।